देखेंगे सिर्फ समाचार। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज। बिलारी उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के मंडलीय संगठन के चुनाव कार्यक्रम में शामिल होने आए प्रांतीय अध्यक्ष योगेश कुमार त्यागी, प्रदेश मंत्री नरेश कुमार कौशिक का गांधी चौराहे पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा को माल्य अर्पण किया और उसके बाद समारोह में शामिल होने गए। एक प्रेस वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री योगेश कुमार त्यागी ने कहा कि 70 और 80 के दशक में बेसिक शिक्षा का स्तर बहुत ही अच्छा था और उस समय इसे पढ़कर लोग IAS और PCS भी है। उसके बाद सरकार में आए पूंजीपतियों ने शिक्षा को व्यवसाय बनाने का कार्य किया। सन 1990 तक तमाम स्कूलों को मान्यता मिल गई। सन 19 के दशक से सन 2000 तक हमारे कई शिक्षक रिटायर हो गए। ये स्थिति 2006 तक रही और उस समय अध्यापक की नई नियुक्ति नहीं हो पाई। स्थिति यहाँ तक रही कि एक एक शिक्षक पर 20-20 विद्यालय तक का चार्ज रहा। उसी समय से अध्यापक की कमी के कारण बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख कर लिया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष राज बहादुर सिंह, मुन्ना चौधरी, मोहनलाल शर्मा, रेखा चौहान, अशोक कुमार शर्मा, जगत नारायण शर्मा, उदयपाल सिंह और सरजू सिंह आदि बहुत से अध्यापक मौजूद रहे। चौधरी विजयवीर सिंह, हिंदुस्तान न्यूज 24, बिलारी।